हाँ एनडी, एक ना छोटा सा रिजल्ट मेरे से रह गया था एक्चुअल में, उसकी वजह से तुमसे नहीं हो पाया होगा, दिमाग से मिस हो गया होगा मेरे। हाँ रिजल्ट ये था कि अगर कोई लीनियर फंक्शन हो, तो तुम्हें याद है डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, एक्स के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करते थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। लीनियर फंक्शन में डिफरेंशिएशन में एक्स के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करते थे हम, यहां पे डिवाइड कर दो बस हो गया और कुछ नहीं करना, डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स, ये रह गया था एक्चुअली। अब हो जाएगा तुमसे, जैसे तुम देखो ना इंटीग्रेशन, मान लो e की पावर 4x+5 है इंटू dx, तो 4x+5 तुम्हें लीनियर फंक्शन दिख रहा होगा, क्यों लीनियर फंक्शन दिख रहा होगा, और उसमें x का कोफिशियंट 4 है, तो तुम सीधे सीधे ये कर दो 1/4 e की पावर 4x+5, ये हो गया। अब समझ में आ गई कुछ बात। एक और देखो, जैसे मान लो -6x-2 इसकी पावर 3 है इंटू dx, तो ये क्या हुआ, देखो x का कोफिशियंट -6 है, तो 1/-6 कर दो। अब तुम्हें याद होगा एक पावर बढ़ जाती है और जितनी पावर होती है वही डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -6x-2 इसकी पावर 4/4। अब मेरे ख्याल से कर लोगे एनडी, क्यों अब कर लोगे ना, लीनियर फंक्शन वाला रह गया था बेटा जो है, ये रह गया था, अब मेरे ख्याल से कर लोगे ये। अब लास्ट टाइम हम कहां पे थे, देखो मैंने तुमसे कहा था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग लिखो, दूसरा उसको आई कैप और जे कैप और के कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दो। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है तो जो भी फिजिक्स जानता है वो उससे अपने आप निकाल लेगा कि हाँ कि इसमें मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, ये कह दो। और एक मैंने कंपोनेंट बताए थे तुम्हें मेथड, तो अब कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे और मैंने तुम्हें ये भी बताया था ना कि 5 के कंपोनेंट 37 और 53 डिग्री में 4 और 3 आते हैं, क्यों ये भी बताया था, ये आगे भी काफी यूज करूंगा, 4 और 3 आते हैं, 4 तो आएगा 37 डिग्री की तरफ और 3 आएगा 53 डिग्री की तरफ, ये कह लोगे। अब जैसे तुम ये देखो, ये वाला था मान लो, ये फोर्स था 5 न्यूटन का, ये 37 डिग्री है। अब तुमने दो कंपोनेंट किए हैं, ध्यान से देखना बेटा, ये बताओ कि इस वाले वेक्टर को मैं 4i कैप लिख दूं अगर, तो कोई प्रॉब्लम बताओ बेटा जी, क्योंकि इधर को यूनिट वेक्टर आई कैप होता था, मतलब इसको अगर मैं 4i कैप लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, और ये वाला वेक्टर को मैं 3i कैप लिख दूं, नहीं है इसको 3i कैप लिख दूं, 3j कैप सॉरी। गोपी तू तो जानता ही है मेरा दिमाग जो है विवेकानंद की तरह चलता है, लेकिन सब उल्टा चलता है जो है, तो आई की जगह जे, जे की जगह आई लिख देता हूँ, तो ये 3j कैप हो गया। अब जरा तुम याद करो पैरेग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, याद करो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये मिलके इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा बताओ, ये बताओ ये मिलके इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब मैं फोर्स को ऐसे लिख सकता हूं, बस हो गया।
फोर्स इक्वल टू फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप, ऐसे लिख सकता हूं, इतना न्यूटन आ गया है, ये कह देता है। एक और एग्जांपल लिखता हूं तब समझ में आ जाएगा तुम्हें। तुम्हें वेलोसिटी दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो तुम्हें इसको आई कैप जे कैप में रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से देखना। ये हो गया 6 मीटर पर सेकंड और ये हो गया 60 डिग्री। अब ये बताओ इधर को जो कंपोनेंट आएगा वो 6 cos 60 होगा, पहले ही बताओ। ये बताओ इधर को जो कंपोनेंट आएगा 6 cos 60 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। जो है 6 cos 60 बनेगा और cos 60 तुम जानते हो गए हाफ होता है, क्यों cos 60 हाफ होता है, तो इधर को 3 आ गया। और इधर को जो कंपोनेंट बनेगा ये 6 sin 60 लिख सकता हूं, और sin 60 तुम जानते हो गए √3/2 होता है, क्यों √3/2, तो ये 3√3 हो गया। इसका मतलब मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं, देखो वेलोसिटी वेक्टर को लिख सकता हूं -3i कैप +3√3 जे कैप, ये लिख दो, और साथ में अगर मीटर पर सेकंड भी लिख दोगे बाहर पे तो मुझे थोड़ा और अच्छा लग जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये हो गया, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, किसी को इसमें कोई डाउट है तो बोलो बेटा। जो है एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्सीलरेशन मान लो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है एट 45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स टूवर्ड्स नेगेटिव वाई। इसको भी तुम्हें आई कैप जे कैप में लिखना है, ठीक है। तो सुनो ये ऐसे है, ये 45 डिग्री है और ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कोई डाउट है तो बोलो बेटा। जो है फिगर बताओ ये क्लियर है कि नहीं, बताओ। जो है इस टाइप से तुम्हें दे रखा है, क्योंकि ये एक्स है ये वाई है। अच्छा एक छोटी सी बच्चों वाली बात है कि 45 डिग्री बिल्कुल सेंटर लाइन होगी ना। हाँ ये बताओ 45 डिग्री बिल्कुल सेंटर लाइन बन गई कि नहीं बन गई, बताओ। जो है तो दोनों तरफ कंपोनेंट इक्वल होंगे ना फिर, क्यों बच्चों वाली बात है ना। 45 का मतलब बिल्कुल सेंटर लाइन हो गई, इसका मतलब दोनों तरफ कंपोनेंट इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ। जो है तो एक कंपोनेंट इधर आ गया, एक कंपोनेंट इधर आ गया, तो इधर को आ गया 4 cos 45 डिग्री, cos 45 1/√2 होता है, ध्यान रखना बेटा। जो है 1/√2, तो ये 2√2 आएगा और ये कंपोनेंट भी 2√2 आएगा। तो इसका मतलब मैं एक्सेलरेशन वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं, 2√2i कैप -2√2 j कैप
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनडी तेरे समझ में आ गई बेटा बात कैसे करते हैं जो है ये बता। अगर तुझे वर्ड्स में ये तू ये देखना, ये मैंने वर्ड्स में दिया था, ये मैंने वेक्टर वर्ड्स में लिखा था, और इसको तूने आई कैप और जे कैप में कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया। अब जरा उल्टा चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अब थोड़ा सा उल्टा चलते हैं कि अगर आई कैप जे कैप में दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालोगे फिर। ठीक, उल्टा लेते हैं। टू फाइंड मैग्नीट्यूड के लिए केवल एम लिख दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इफ गिवन, इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। हाँ, एग्जाम्पल ही बेस्ट रहता है कि कई चीजों का ना एग्जाम्पल से ही सबसे बढ़िया रहता है जो है। कि मान लो तुम्हें एक ए वेक्टर दिया हुआ है, टू थ्री आई कैप माइनस फाइव जे कैप, इसका तुम्हें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। तो देखो थ्री आई कैप ये हो गया और माइनस फाइव जे कैप ये हो गया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ए वेक्टर कहलाएगा। ये बताओ ये समझ में आया बेटा जो है, थ्री आई कैप ये हो गया माइनस फाइव जे कैप ये हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट ए वेक्टर कहलाएगा। अब आप देखो ये थ्री लेंथ है और ये फाइव लेंथ है, तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो इसकी लेंथ कितनी होगी बताओ जो है, ए की लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर, क्यों, तो रूट 34 आ गया, क्यों, ये आ गया। लेकिन अभी डायरेक्शन भी तो चाहिए, नहीं अभी डायरेक्शन भी तो चाहिए, तो अगर ये बताओ मैं ये वाला एंगल बता दूं अल्फा तो काम चल गया हमारा, ये बताओ, अगर मैं ये अल्फा एंगल बता दूं तो काम चल गया कि नहीं चल गया बताओ जो है, तो जो टेन अल्फा होगा, देखो टेन अल्फा कितना होगा, हाँ टेन अल्फा होगा ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, तो फाइव बाई थ्री, इसका मतलब जो अल्फा होगा वो होगा टेन इनवर्स फाइव बाई थ्री, ये कर। तो जो ए वेक्टर तुम्हें थ्री आई कैप माइनस फाइव जे कैप दिया था, ध्यान से देखना बेटा जो है, ए वेक्टर जो तुम्हें थ्री आई कैप माइनस फाइव जे कैप दिया था, इसको मैं वर्ड्स में कैसे लिख रहा हूं ध्यान से देखना, वर्ड्स में लिख रहा हूं कि रूट 34 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है, जो पॉजिटिव एक्स से टेन इनवर्स 3/5 का एंगल फॉर्म कर रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव वाई, बताओ ये वर्ड्स में सही है या नहीं है बेटा बताओ, बताओ। ये मैंने आई कैप जे कैप में दिया था
और इसको मैंने ये वर्ड्स में लिख लिया, तो बताओ ये वर्ड्स में सही है कि नहीं, बताओ जो है कि √34 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, टेन इनवर्स 3/5 का एंगल बना रहा है, लेकिन किधर की तरफ को बताओ जो है, नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में ये बना रहा है। अब चलते हैं, उज्जवल नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाएगा ना कि सर आप सारे के सारे 2 डायमेंशनल में बता रहे हो, 3 डायमेंशनल में तो आपने बताया नहीं कुछ जो है, तो जरा मैं एक 3D का भी ले लेता हूँ, 3D में क्या होगा, टेन बट तू तो जानता ही है ना मेरा, तू दिमाग तो जानता है ना, कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है, लेकिन सब उल्टा हो जाता है बेटा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे -1 लिख दूँ तब सही हो जाएगा, बता गोपी, बता बेटा जो है, अब सही हो गया। तो इसको टेन इनवर्स 5/3 कर। अब जरा एक 3D वेक्टर में करते हैं। हाँ तुम्हें ए वेक्टर दिया हुआ है, 2i कैप -3j कैप +4k कैप, तो ध्यान से देखना, तो फिर जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ये तो सीधे तुम पाइथागोरस लगा दो, बस पाइथागोरस क्या मतलब स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो √29 आ गया। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो क्लियर हो गया ना। अच्छा ये मत कहना कि -3 का स्क्वायर नहीं किया आपने, क्योंकि -3 का स्क्वायर करूं या 3 का स्क्वायर करूं बात एक ही है, क्यों तुम्हें कह सकते हो ना -3 का स्क्वायर नहीं किया, तो -3 का करूं या 3 का स्क्वायर करूं बात एक ही है, क्यों, एक तो ये आ गया। अब चलते हैं डायरेक्शन, ध्यान से देखना। हाँ डायरेक्शन में यहां पे क्या होता है कि तुम ना डायरेक्शन कोसाइंस दिए जाते हैं बेटा जी, और जो फिजिक्स का बंदा है वो समझ जाएगा ये क्या कह रहा है जो है, तो यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस दिए जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन। अब तुम कहोगे डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, वो सुनो, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ ए वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस, देन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इनको हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, बस हो गया। समझ में आई बात या नहीं आई बेटा ये बताओ भाई, अब इससे ज्यादा क्या लोगे तुम ये बताओ, बच्चे की जान लोगे क्या, तुमने ए वेक्टर का ये ले लिया कि मान लो पॉजिटिव एक्स से अल्फा एंगल बना रहा है, पॉजिटिव वाई से बीटा एंगल बना रहा है, और पॉजिटिव जेड से मान लो गामा एंगल बना रहा है, तो मैंने तुमसे कहा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, इनको हम डायरेक्शन कोसाइंस कह देते, अब ये होते कितने हैं वो देख लो, जैसे जो कॉस अल्फा होगा वो 2/√29 होगा, बस इसी टाइप से जो कॉस बीटा होगा वो -3
अपॉन रूट 29 होगा, और लास्ट में जो कॉस गामा होगा वो 4 अपॉन रूट 29 होगा। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्यों समझ में आ गया बेटा, कि अगर मान लो एक थ्री डायमेंशनल वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, और डायरेक्शन के लिए तुम डायरेक्शन कोसाइंस दोगे, समझ गए ना, डायरेक्शन कोसाइंस दोगे, ठीक। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या चीज होती है वो मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मजे की बात सुनो, नोट पॉइंट, ये बताओ कि कॉस अल्फा और कॉस गामा ये प्लस में आ रहे हैं, तो कॉस की पॉजिटिव वैल्यू कब आती है जरा बताओ, ये बताओ कॉस की पॉजिटिव वैल्यू कब आती है बेटा, ये बताओ जो है कॉस की पॉजिटिव वैल्यू तब आती है जब एक्यूट एंगल हो, क्यों, इसका मतलब जो अल्फा एंड गामा है, हाँ अल्फा एंड गामा एंगल वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हो, और तुम्हें कॉस बीटा नेगेटिव दिख रहा होगा, इसका मतलब जो बीटा आ गया वो फिर ऑप्टिव एंगल बन जाएगा, बस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए वेक्टर था वो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव जेड से, उनसे तो एक्यूट एंगल बना रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव वाई है उनसे ऑप्टिव एंगल बना रहा है, बस हो गया, ये कह इतना मतलब है। अब देखो मजे की बात क्या है ना, देखो मैं बताऊं भैया, मजे की बात के लिए भी हम एक वो बना देते ना छोटा सा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता ना कि बार बार चीजें फिर रिपीट होती हैं जो है, तो मजे की बात, मजे की बात, हम पहले जो a प्लस बी करते थे, a माइनस बी करते थे, या a डॉट b करते थे, या a क्रॉस b करते थे अर्लियर, ये थोड़ी लॉन्ग मेथड होती थी, अब तुम कहोगे कैसे लॉन्ग होती थी, तो इसमें ये बताओ तुम आर निकालोगे, फिर अल्फा निकालोगे, फिर बीटा निकालोगे, इसमें तुम एस निकालोगे, अल्फा निकालोगे, बीटा निकालोगे, इसमें तुम ए बी साइन थीटा लोगे, फिर स्क्रू लगाओगे, कुछ याद आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूँ मैं जो है, चलो ये सिंपल था, ये उतना टफ नहीं था, ये थोड़ा सा सिंपल था, समझ गए ना, कि पहले जो हम करते थे a प्लस बी, a माइनस बी, a डॉट बी और a क्रॉस बी, वो थोड़ा सा लेंदी होती थी, लेकिन आफ्टर i कैप, j कैप और k कैप वो सिंपल हो जाती है, बस ये है कह लो जो है, आफ्टर i कैप, j कैप और k कैप, ये काफी सिंपल हो जाती है, बताता हूं कैसे। सुनो, लेट मान लो ए वेक्टर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के है, और बी वेक्टर बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के है। अब मैं इसमें तुम्हें कई चीजें बताऊंगा, ध्यान रखना। सबसे पहला,
ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सीधे सीधे अंडर रूट ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर। बताओ क्लियर है? बताते हुए चलना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही तो होगा कि नहीं होगा बताओ। जो है ये हो गया दूसरा। ए वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा वो हो जाएगा ए वन अपॉन ए, कॉस बीटा ए टू अपॉन ए, कॉस गामा ए थ्री अपॉन ए। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा नहीं है? ए वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस ये हो जाएंगे। अच्छा इसी टाइप से बी का कर लोगे। सिमिलरली बी वेक्टर का हो जाएगा। अब तीसरी बात, चलो जरा चेक करना। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, देखना वन आ रहा होगा बेटा। देखो जरा दिमाग लगाओ जरा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, जरा चेक करके देख, वन आ रहा होगा। अच्छा चलो फिर ऐसी बात है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये बताओ कितना आना चाहिए? दिमाग लगाओ। ऊपर वाले से ही निकल जाएगा बेटा, ऊपर वाले से ही निकल जाएगा। क्यों? देखो वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो। इसको वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हो। और इसको वन माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हो। अब जरा चेक करना कैलकुलेशन, अब जरा चेक करके देखो बेटा। जो है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा। ये देखना कर लोगे ना, सिंपल मैथ्स कर लोगे ये तो। अब पांचवा देखो, अब देखना कितना सिंपल हो गया। ए प्लस बी करोगे तो सीधे ऐड कर दो, बस हो गया, कुछ नहीं करना। ए प्लस बी सीधे ऐड कर दो, ए वन प्लस बी वन आई कैप प्लस ए टू प्लस बी टू जे कैप प्लस ए थ्री प्लस बी थ्री की कैप। अब बताओ ये इतना सिंपल है कि नहीं है? जबकि वहां पे हम क्या करते थे, पहले अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा निकालते थे, फिर टेन अल्फा निकालते थे या टेन बीटा निकालते थे। तो यहाँ पे ये सिंपल हो गया कि नहीं हो गया बताओ? जो है सीधे सीधे तुमने डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो ये कह रहे। इसी टाइप से अगर तुम्हें ए माइनस बी निकालना है तो इसको भी तुम डायरेक्ट कर दो, बस हो गया, सीधे डायरेक्ट कर दो। ए वन माइनस बी वन आई कैप प्लस ए टू माइनस बी टू जे कैप
प्लस ए थ्री माइनस बी थ्री के कैप, तो ये भी सिंपल हो गया। जबकि वहां पे क्या करते थे याद करो हम, जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा करते थे, फिर टेन अल्फा निकालते थे, फिर टेन बीटा निकालते थे, वो सारी चीजें करते थे हम, नहीं होता उतने सारे करते थे, यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, क्या ये हो गया। अब चलते हैं सेवंथ में, ए डॉट बी, ये तो वहां भी सिंपल था, यहां भी सिंपल टाइप का ही है। ए डॉट बी पे हम क्या करते हैं ना, ध्यान से देखना बेटा, जो है ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, बस ये कर देते हैं, हो गया इतना कर देते हैं। ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, लेकिन यहां पे एक नोट है बहुत बड़ा बड़ा, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, नोट सुनो बेटा क्या है कि a डॉट b तुम्हें याद है स्केलर होता था, इसका मतलब इसमें कोई i कैप j कैप k कैप नहीं होना चाहिए, नो i कैप j कैप k कैप, क्योंकि अगर उसमें i कैप j कैप और k कैप लग गया तो फिर वो वेक्टर बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, जो है बताओ, जो है ए डॉट बी एक स्केलर होता था, तो उसमें कभी भी अगर तुमने गलती से भी आई कैप जे कैप के कैप लगाया तो मैं तो तुम्हें यहां से थप्पड़ मार नहीं सकता, तुम अपने मुंह से जो है दो थप्पड़ मारना बेटा, जो है अपने मुंह से खुद ही, जो है ऑनलाइन का यही वो है बस, ठीक है ना, यही नुकसान है कि थप्पड़ नहीं मार सकते बच्चे को जो है, तो आगे से डॉट प्रोडक्ट में कभी भी तुम आई कैप जे कैप के कैप नहीं लगाओगे, ठीक। लेकिन ये बताओ कि a प्लस बी हो, a माइनस बी हो, या फिर a क्रॉस बी हो, ये तो वेक्टर है ना, समझ में आया बेटा, ये बताओ ये तो वेक्टर है कि नहीं, ये बताओ जो है, तो इसका मतलब इनमें i कैप j कैप k कैप जरूर लगाना, तो आगे से याद रखना डॉट प्रोडक्ट में कभी भी आई कैप जे कैप और के कैप नहीं लगाओगे, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन और क्रॉस प्रोडक्ट में उसमें आई कैप जे कैप के कैप जरूर लगाओगे, उसको मिस नहीं करोगे। अब चलते हैं ए क्रॉस बी, ये थोड़ा वहां भी टफ होता था, यहां भी इतना सिंपल नहीं है, इसमें ना डिटरमिनेंट बनाते हैं बेटा, जो इसको कहते हैं डिटरमिनेंट, और सबसे पहले तुमने आई कैप जे कैप और के कैप लिख दिया, और फिर तुम क्या करो ना, जैसे ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले ए के कोफिशियंट लिख दो, ए वन ए टू ए थ्री, फिर बी के लिखो, बी वन बी टू और बी थ्री। अब इसको तुम्हें ओपन भी करना है, ध्यान रखना आई कैप के साथ में कुछ आएगा प्लस जे कैप के साथ में कुछ आएगा प्लस के कैप के साथ में कुछ आएगा। अब इसको देखो ओपन कैसे करोगे, मैं तीन अलग अलग कर लूंगा, हाँ जैसे मुझे आई कैप के साथ में लिखना है तो तुम ना इस लाइन को भूल जाओ बेटा, इनको भूल जाओ, और ये माइनस ये कर देना, इसका मतलब ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं। अगर तुम्हें आई कैप का कोफिशिएंट निकालना है तो आई से पास होने वाली कॉलम और रो को भूल जाओ, समझ गए, कॉलम और रो को भूल जाओ, और फिर तुम्हें ए टू बी थ्री माइनस
बी टू ए थ्री करना है। अब जे का कोफिशियंट लिखना है, कलर चेंज कर रहा हूं। हाँ अब तुम ये भूल जाओ, ये और इसको भूल जाओ। अच्छा ऊपर वाले को तो हमेशा ही भूलना है ना, हर केस में भूलना है, ऊपर वाले को तो हर केस में ही भूलना है, ठीक। अब लेकिन थोड़ा सा ऑर्डर उल्टा कर दो बेटा, जो है ऑर्डर उल्टा कर दो। अब तुम्हें ये करना है, ये हाँ ये माइनस ये, माइनस ये कह लो, तो इसका मतलब ये हो गया बी वन ए थ्री माइनस ए वन बी थ्री, बी वन ए थ्री माइनस ए थ्री बी वन, और लास्ट में आप के में आते हैं तो के में फिर से वही ऑर्डर कर देना। हाँ फिर के में फिर से वही ऑर्डर कर देना, तो वो आ जाएगा ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। मैं एक काम कर दे रहा हूं, देखो हाँ इसमें ना बहुत ज्यादा कई सारे एरो आ गए, तो मैं तीन जगह भी बना दे रहा हूं, देखो ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री। अब समझ में आ जाएगा, ठीक देखो आई के लिए इसको भूल देना है, आई के लिए इसको भूल जाना है, ये माइनस ये मतलब आई के साथ में क्या आएगा, देखो ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री, ये हो गया। अब जे में क्या करना है सुनो, जे में इसको भूल जाना है, लेकिन ऑर्डर थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। अब के ये माइनस ये होगा, डॉटेड वाला मैं माइनस से दिखा दे रहा हूँ, तो इसका मतलब जे कैप में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वन ए थ्री माइनस ए वन बी थ्री, और लास्ट में चलते हैं के में, के में दोबारा से वही ऑर्डर आ जाएगा, फिर इसको भूल गए, ये माइनस ये। एक सेकंड बेटा, एक अर्जेंट कॉल है थोड़ा सा। तो ये आ गया के कैप में, क्या आ गया के कैप में, आ गया ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। बताओ ये समझ में आया नहीं आया बेटा, एंडी तू बता बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बता, जो है जो मैंने डार्क लाइन दिखाई है वो माइनस डॉटेड लाइन, वो दिखानी है वो माइनस डॉटेड लाइन, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ये कर। अब एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जल्दी से एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हाँ वो कर लेते हैं। मैं थोड़ा एक्चुअली में प्लस में कर लेता हूँ गोपी, मैं थोड़ा तीनों में ही ना प्लस कर लेता हूँ, मैं अपना अपना तरीका है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आएंगे। ए दिया हुआ है टू आई कैप माइनस थ्री के कैप, लेकिन इसको थोड़ा तरीके से लिख लो बेटा, टू आई कैप
प्लस जीरो जे कैप माइनस थ्री के कैप, ऐसे लिख लिया बी। फोर जे कैप माइनस थ्री के कैप, तो इसको भी थोड़े तरीके से लिख लो, जीरो आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस थ्री के कैप। अब जल्दी से बताते हुए चलना, मेरे को फास्ट करते हुए चलना। सबसे पहला बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या बी बताओ कितना आया बेटा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ अंडर रूट तुम्हें दिख रहा होगा, फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर फाइव हो गया। दूसरा डायरेक्शन कोसाइंस, ऑफ बी वेक्टर निकाल रहा हूं, ध्यान रखना बी वेक्टर, कॉस अल्फा जीरो बाई फाइव आया ना, हाँ जीरो बाई फाइव, इसका मतलब जीरो, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका मतलब क्या हुआ वैसे बाय द वे, ये बताओ अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, कि जो बी वेक्टर है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है बताओ, जो है बी वेक्टर पॉजिटिव जेड एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है बताओ, जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, सो क्या किया गया। इसी टाइप से कॉस बीटा कितना हो गया 4 बाई फाइव, अच्छा ये तो हम जानते भी हैं उसे भाई देखो ना 4 बाई फाइव, देयरफॉर जो बीटा आ गया, हाँ ये तुम जानते होगे 37 डिग्री होगा, बताओ ये बताओ ये 37 होगा कि नहीं होगा बेटा, ये बताओ जो है पहले बताओ, अगर ये कॉस बीटा 4 बाई फाइव है तो बीटा 37 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताओ जो है, तो इसका मतलब बी वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस से, सॉरी पहले मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया था ना, कॉस अल्फा, अल्फा 90 आ रहा था बेटा, क्यों अल्फा 90 आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया था ना, नहीं कॉस बीटा 4 बाई फाइव है तो बीटा 37 होगा बेटा जो है, गलत कह रहा था, देखिए देख ये है ना 37 डिग्री है ना, ये देखिए 3 4 5 ये है ना, अब देख सुनो कॉस अल्फा, अल्फा 90 आ रहा था तो मैं थोड़ा सा गलत कह दिया था, ये होगा कि बी वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 बना रहा है, थोड़ा सा गलत बोल गया था ना मैं, कॉस अल्फा 0 आ रहा है, अल्फा 90 आ रहा है तो इसका मतलब जो बी वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है तो जो 90 डिग्री बन रहा है। और इसी टाइप से जो कॉस गामा है वो माइनस 3/5 है, इसका भी चलो जुगाड़ निकालते हैं कुछ, कॉस गामा का जुगाड़ निकालते हैं, देखो क्या जुगाड़ निकालते हैं, तुम्हें एक चीज याद है बेटा मैंने बताया था कॉस थीटा वो कॉस माइनस कॉस 180 माइनस थीटा होगा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ बेटा जो है, ये बताओ ये था कि नहीं था बताओ जो है, तो ये बताओ कि अगर कॉस सम एंगल थ्री बाई फाइव हो, हाँ बिल्कुल वही कह रहा हूं, अगर कॉस सम एंगल 3/5 हो तो ये वाला जो एंगल होगा दिस एंगल, वो 53 डिग्री होगा या नहीं होगा बताओ, ये पहले बताओ ये समझ में आई कि नहीं आई बेटा, ये बताओ जो है कि अगर कॉस ऑफ सम एंगल 3/5 हो तो ये एंगल बताओ 53 डिग्री होगा या नहीं होगा बेटा, ये बताओ जो है, ये एंगल 53 डिग्री होगा, इसका मतलब अगर कॉस गामा माइनस 3/5 है
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गामा एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री -53 डिग्री। कोई डाउट बताओ? 180 डिग्री -53 डिग्री, तो जो उज्ज्वल ने बोला था 127 डिग्री आ गया, हो गया ये कह रहा। तो इसका मतलब जो बी वेक्टर है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बताओ? 127 डिग्री एंगल बना रहा, ये कह। तो यहाँ पे मैं एक रिजल्ट भी लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, जो रिजल्ट सुनो। कॉस थीटा अगर हाफ है तो थीटा 60 डिग्री हो गया, लेकिन अगर कॉस थीटा माइनस हाफ है, हाँ अब समझ में आ गया होगा, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री हो गया। अभी फिजिक्स के एंगल से कह रहा हूं मैं, मैथ्स में तो तुम और भी पढ़ोगे बेटा जो है काफी। कॉस थीटा मान लो √3/2 है, तो थीटा हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब कॉस थीटा अगर -√3/2 है तो फिर थीटा की एक वैल्यू 150 डिग्री भी होगी। अब मेरे ख्याल से सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। इसी टाइप से मुझे ये बताओ कि अगर कॉस थीटा 4/5 है, मान लो 4/5 है, तो थीटा 37 डिग्री भी हो गया। लेकिन अगर कॉस थीटा -4/5 है, क्यों -4/5 है, थीटा की एक वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा जो है? 143 डिग्री भी हो जाएगी। तो यहां से एक तुम्हें कंक्लूजन ये भी मिल गया, फिजिक्स के एंगल से कह रहा हूँ, मैथ्स में भी बहुत डिटेल में पढ़ोगे तुम जो है। तो मेरे ख्याल से तुमने बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस निकाल ली होंगी, और उससे तुम्हें समझ में भी आ गया होगा कि क्या होता है। और उज्जवल तेरा भी पॉइंट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा जो तू चाह रहा था, क्यों जो तू चाह रहा था वो काफी क्लियर हो गया होगा जो तू लास्ट लेक्चर में चाह रहा था जो है। अब जरा बताओ कि ए प्लस बी अगर निकालना है तो ए प्लस बी कितना होगा? देखो दोबारा लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो भूल जाएंगे बेटा जो है। ए कितना था देख लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं, 2, 3, 4 -3, 2, 3, 4 -3, 2, 3, 4 -3, ये था ठीक है। अब बस लिख लो ए प्लस बी कितना आ गया, देखो ए प्लस बी आ गया 2 -3, 4 -3, सॉरी हाँ 2 -3, 4 -3, ए प्लस बी कितना आ गया देखो, 2i कैप +4j कैप -6k कैप, समझ में आ गया? ए माइनस बी कितना आ गया, सिंपल है बिल्कुल, 2i कैप -4j कैप +0k कैप। ए डॉट बी 2 × 0 = 0, 4 × 0 = 0, -3 × -3 +9 इक्वल टू +9 आ गया। अच्छा वैसे एक बच्चों वाली बात बताओ, मैंने पहले बताया था कि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आने का क्या मतलब होता था, ये बताओ। डॉट प्रोडक्ट जब पॉजिटिव आता था तो उसका क्या मतलब होता था बताओ? डॉट प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसका क्या मीनिंग होता था, याद करो बेटा जो है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब होता था एक्यूट एंगल, याद है, एक्यूट एंगल बिटवीन
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक बार फिर याद करवा दूं, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, अगर डॉट प्रोडक्ट एक्यूट सॉरी पॉजिटिव आता है तो एक्यूट एंगल बनता है, और अगर डॉट प्रोडक्ट निगेटिव आता है तो ऑप्टिव एंगल बनता है। ये कह रहे हैं अच्छा ए क्रॉस बी में तुम जानते हो प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा, यहां भी प्रॉब्लम होती है, ए क्रॉस बी इसमें कोफिशियंट लिख लेते हैं पहले हम, आई कैप जे कैप के कैप 2 0 -3 0 4 -3, और मैं सब में प्लस लिखता था, जो गोपी कह रहा था ना माइनस कर दो, मेरे को प्लस का थोड़ा आदत है, प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब आई कैप में क्या होगा दिमाग में ही करना बेटा, जो है 0 × -3 0, -4 × -3, तो ये ऐसे आएगा देखो 0 + 12 आएगा। बताओ ये समझ में आया नहीं आया बेटा, बताओ आई कैप का कोफिशिएंट समझ में आया कि नहीं आया, देखो बेटा जो है कहां पे 4 था, 2 0 - 3, ये देख तेरा नहीं सही तो लिखा मैंने 2 0 - 3 और बी में 0 4 - 3 सही तो लिखा है। अरे तू ये बता ना, ये बता ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा पहले ये बता, ये क्लियर है कि नहीं है एनडी, बता बेटा ये बता पहले, ये समझ में आया कि नहीं है बेटा, ये हो गया। अब जे कैप में आ जा, जे कैप में थोड़ा सा उल्टा चलेगा बेटा ध्यान रखना, जे कैप में थोड़ा सा उल्टा चलेगा तो 0 ये +6 आएगा, 0 + 6 आएगा, और लास्ट में के कैप में क्या होगा, के कैप में होगा फिर 8 - 0, तो फाइनल जो आंसर इसका आएगा 12 आई कैप +6 j कैप + 8 k कैप, ये होगा। बेटा इसमें कंफ्यूजन है तो बता दो मेरे को, जो है 2 0 - 3 0 4 - 3, देख 2 0 - 3 0 4 - 3 2 0 - 3 0 4 - 3 2 0 - 3 0 4 - 3 आई कैप में ये होगा, ये माइनस ये, जे कैप में होगा ये हटाया, ये माइनस ये, और के कैप में लास्ट में होगा, समझ गए ना, हाँ के कैप में होगा बेटा ये माइनस ये, ये डॉटेड वाला मैंने माइनस कर रखा है बेटा ध्यान रखना। तो आई कैप में क्या हुआ देख, आई कैप में आया 0 - -+12, जे कैप में क्या आया देख 0 - -+6 आ गया, और लास्ट में के कैप में क्या आ गया देख, के कैप में आ गया 8 - 0। अब बताओ कोई डाउट है तो बोल दो बेटा, किसी को भी अगर डाउट है तो बोल दो, इसमें कर सकता हूँ मैं दोबारा से बेटा, कर सकता हूँ अगर कोई डाउट है तो बता देना अच्छी तरीके से, बिल्कुल ठीक। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली बात जो पहले भी हमने पढ़ ली है उसको भी कर दे रहा हूं मैं, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड कितने होने चाहिए बेटा, जो है
वन, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना। दूसरा आई डॉट जे या जे डॉट के या आई डॉट के, ये बताओ जीरो आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए बताओ बेटा। जो ये जीरो आने चाहिए ना, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तीसरा I क्रॉस I या J क्रॉस J या K क्रॉस K, ये एक नल वेक्टर आना चाहिए। क्यों? हाँ, ये एक नल वेक्टर होना चाहिए बिकॉज पैरेलल वेक्टर्स हैं। बताते रहना अगर कोई कंफ्यूजन हो बेटा। जो ये हो गया, अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। आई क्रॉस जे, इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए ए बी साइन 90 डिग्री वन होना चाहिए। बताओ क्लियर है या नहीं है? ए बी साइन थीटा कह रहा हूं बेटा, ये बता जो है ए बी साइन थीटा कह रहा हूं। ए आई क्रॉस जे का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बताओ जो है? वन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ जो है? तो इसका मतलब इसको भी एक यूनिट वेक्टर बनना चाहिए। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है बताओ बेटा? जो है इसको एक यूनिट वेक्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बताओ जो है? ठीक, अब चलते हैं इसकी डायरेक्शन। हाँ, अब इसकी डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्यों? परपेंडिकुलर टू बोथ होनी चाहिए। तो वो एक्चुअल में जेड डायरेक्शन लेते, इसका मतलब मैं सीधे सीधे, हाँ अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसका मतलब मैं आई क्रॉस जे को अगर के लिख दूं तो तुम्हें लग रही होगी बात कि हाँ लॉजिकल है। क्यों? तुम्हें बात लग रही होगी कि लॉजिकल, कह रहे हैं सर ऐसे ही हवा में बात नहीं कर देते जो है, ठीक है ना। आई क्रॉस जे को के लिख दिया तो ऐसा नहीं कि हवा में बात कर ली सर ने जो है, ठीक। लॉजिकल लग रही है कि नहीं लग रही बेटा, ये बताओ बात जो है, ये कह रहा है। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट। उसके बाद सिंपल है, इसको प्लस लिख लेना। ये आई है, ये जे है, ये के है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक। तो इसमें आई क्रॉस जे, ये तो के हो गया, जे क्रॉस के ये आई आ गया, और के क्रॉस आई ये जे आ गया। लेकिन इसका जब उल्टा करोगे बेटा जो है, ठीक है, उल्टा जब करोगे जे क्रॉस आई वो माइनस के होगा। इसी टाइप से के क्रॉस जे जब करोगे वो भी माइनस आई होगा, और लास्ट में आई क्रॉस के जब करोगे तो वो माइनस जे होगा। समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा बताओ जो है? ठीक, अब चलते हैं सिक्स पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई जेड
कोई भी ले सकते हो, एनी थ्री परपेंडिकुलर डायरेक्शन। चलो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो इसको मैं टू बी कंटिन्यूड में डाल देता हूँ, बाकी चलो करते हैं कल बैठा। ओके बाय, थैंक यू। हाँ।